नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पॉकेट ब्लॉग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूज़ी। वी आर डिज़ाइनिंग यूजिंग CSS। में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है CSS डायमेंशंस, जिसमें देखेंगे कि डायमेंशंस क्या है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। डायमेंशंस अगर बॉक्स की हमने विड्थ और हाइट को सेट करना तो उसके लिए हम लोग CSS डायमेंशंस को यूज़ करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जाता है। जिसमें हम हाइट इसकी सेट कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स की विड्थ को सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी बॉक्स की, और लाइन हाइट और जो है इसको देखेंगे कि लाइन हाइट किस लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ को भी यूज़ किया जाता है बॉक्स के डायमेंशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास जो लाइन हाइट प्रॉपर्टीज़ को हम क्यों यूज़ करेंगे कि अगर हम स्पेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की लाइंस में, यानी कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें जो हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उनमें अगर हम स्पेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसमें लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो है हमारे पास परसेंटेज में भी हम दे सकते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और नंबर्स में भी दे सकते हैं। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये पहले एक पैराग्राफ लिख लेंगे। और इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू लाइन हाइट हम स्पेसिफाई कर देंगे पैराग्राफ की। और मैं कह देती हूँ ये 8 pixels होना चाहिए। ये पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे और इधर इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इस पैराग्राफ को आप चेक करते हैं। स्टाइल एलिमेंट को यूज़ करेंगे इंटरनल स्टाइलिंग के लिए, और इस पैराग्राफ को आप चेक करते हैं कि इसमें लाइन हाइट जो है वो 8 pixels आई है या नहीं। मेरे पास ये लाइन हाइट आ गई है, मैंने 20 पिक्सल्स किया तो लाइन हाइट मेरे पास आ गई। इसके अलावा अगर मैं 40 पिक्सल्स करूँगी, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये 40 पिक्सल्स की स्पेस आ गई है। तो लाइन हाइट को यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ में मौजूद जो हमारे पास लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस को इनक्रीज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को किसी भी बॉक्स की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करने के लिए विड्थ हाइट प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर देंगे, और इसमें भी इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास परसेंटेज में है, पिक्सल्स में है, और हम इसको कीवर्ड ऑटो के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं कि अगर हम इसकी ऑटो कर देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ और हाइट होगी उसको स्पेसिफाई कर देगी। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पैराग्राफ को स्टाइलिंग दे देते हैं। चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास पैराग्राफ के गिर्द क्या आ गया है, एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। देन अभी इसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं 50% और हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं 400 pixels और 600 pixels। इस चीज़ को आप चेक करते हैं। मेरे पास जो विड्थ आ गई है वो है 50%
और 600 पिक्सल उसने हाइट ले लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स हाइट प्रॉपर्टी। अगर बॉक्स के मैक्सिमम हाइट को स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैक्स हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकती। इसके भी जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं वो पिक्सल्स में है, परसेंटेज में है और नंबर में है। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कह देती हूँ मैक्स हाइट जो है मेरे पास वो 300 पिक्सल्स है, तो मेरे पास जो बॉक्स की मैक्सिमम हाइट आ रही है वो 300 पिक्सल्स आ रही है, जो बाकी मेरा कंटेंट है वो बॉक्स से बाहर आ गया है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो मैंने 300 पिक्सल्स स्पेसिफाई कर दी। लेकिन अगर मैं इसकी मिनिमम हाइट को स्पेसिफाई करना चाहूँ, लेकिन इसी तरह अगर मिनिमम हाइट को अगर स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए मिन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और इसकी भी पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे पास हैं कि हम इसकी वैल्यूज कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो परसेंटेज में, पिक्सल्स में और नंबर में दे सकते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर मैं इसकी मिनिमम हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर दूँ। कि मिनिमम हाइट जो मेरी बॉक्स की रहेगी वो कितनी पिक्सल्स हो, और मैक्सिमम हाइट को भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। इस चीज़ को चेक करते हैं। अब जो मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो बॉक्स के बॉक्स में आ गया है, लेकिन मिनिमम हाइट का मतलब ये कि इससे कम हाइट नहीं जा सकती। लेकिन अगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। अगर मैं यहाँ से कंटेंट को रिमूव करूँगी तो मेरी जो मिनिमम हाइट होगी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास जो मिनिमम हाइट आ रही है वो 100 पिक्सल्स आ रही है। अगर मैं कंटेंट रिमूव कर दूँगी तो मेरे पास जो मिनिमम हाइट है वो एज इट इज़ रहेगी। इसको सेव करते हैं तो मेरे पास ये मिनिमम हाइट जो है वो 100 पिक्सल्स आ रही है। इसमें हम मैक्स हाइट और मिन हाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैक्स हाइट और मिन हाइट को हमने यूज़ किया है। इसी तरह हम मैक्स विड्थ और मिन विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बॉक्स की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है और मिनिमम विड्थ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और इसकी भी जो वैल्यूज़ है वो परसेंटेज, पिक्सल्स और नंबर्स में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर मिनिमम विड्थ को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि अगर बॉक्स की जो है मिनिमम विड्थ कितनी होगी, तो उसके लिए मिन विड्थ को यूज़ करेंगे, और इसकी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास परसेंटेज, पिक्सल्स और नंबर में होगी। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से हम जो है मैक्स जो विड्थ है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो मेरे पास मैक्सिमम विड्थ जो है वो 50% रहे। और मिनिमम विड्थ अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ वो मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, मेरे पास जो मिनिमम विड्थ है वो 20% हो गए। यहाँ पे मेरा उसने क्या किया है, कंटेंट की जो मिनिमम विड्थ है उसको स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन बाकी कंटेंट को मूव करके फर्दर वो आगे ले गए। उसकी मिनिमम विड्थ यहाँ पर 100 पिक्सल्स आ गई। कि मिनिमम मेरी एलिमेंट की विड्थ इतनी होगी, इससे ज़्यादा चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। तो इससे हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ को यूज़ कर सकते हैं।